इस वीडियो में दिखाया जाने वाला फोन मैंने और मेरी टीम ने मिलकर बनाया है, जो कि एक डमी फोन है। ये सिर्फ इसलिए बनाया गया कि ये फोन कैसा दिखने वाला है, इस जानकारी के लिए। तो आप वीडियो को चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज मैं इस Realme C11 की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये इंडोनेशिया में 30 तारीख को लॉन्च हो रहा है। इसकी जो लीक स्पेसिफिकेशन से आपको सब बताऊंगा। और पहले बता दूं, ये डमी पीस है। डमी पीस बोले तो यार मैंने इसे खुद से बनाया ताकि आपको बता सकूं, लेकिन डब्बा खोलने से पहले एक छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं। दोस्तों, आपको अगर पैसे की जरूरत है, आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा, तो आप अपने स्मार्टफोन से ले सकते हो 5 करोड़ तक का लोन। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको सिंपली क्या करना है कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक या प्ले स्टोर पे जाके पैसा रुपी सर्च कर सकते हो। सबसे ऊपर ऐप आएगी, इजी पर्सनल सेफ ऑनलाइन लोन ऐप पैसा रुपी। ये बिल्कुल सेफ एप्लीकेशन। जी हाँ, आपको सिंपली क्या करना है कि इस एप्लीकेशन को आप अपने फोन में डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। 4.8 की रेटिंग है और 50,000 से ज्यादा लोग इसको इंडिया में यूज करते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं, इंडिया की नंबर 1 लोन एप्लीकेशन है। अब हर सपना होगा घर बैठे सच। अगर आपको कोई सपना है पैसों के बगैर सच नहीं हो पा रहा, तो भाई आप इससे बिना ब्याज के लोन ले सकते हो। सिर्फ आपको आधार कार्ड लगेगा। जी हाँ, सिर्फ आपको आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड से आप लोन ले सकते हो, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। जस्ट आपको क्या करना है कि इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो भाई सबसे पहले आपको स्टार्ट वाले पे क्लिक कर देना है। तो भाई उसके बाद यहाँ पे आप आ जाओगे, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। पर्सनल लोन, न्यू लोन ऐप, रेवेन्यू लोन और होम लोन, कार लोन, स्टूडेंट लोन, फ्री सिविल स्कोर और भाई हेल्प एंड सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। सो यहाँ पे आपको क्लिक करना है पर्सनल लोन पे, अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जो आपको लोन प्रोवाइड करा रही है। तो इसमें से आप कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और वहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपको मिल रहा है कि नहीं लोन। वैसे यहाँ पे आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपको बस इस एप्लीकेशन पर क्लिक करके आपको अपनी डिटेल्स भर देना है। जो डिटेल्स भाई यहाँ पे आपके मंथली इनकम पूछेगा, आधार कार्ड नंबर वगैरह पूछ लेगा, उसको आपको फिल करके यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद अप्लाई नाउ कर देना। उसके बाद भाई आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपको लोन मिला है कि नहीं। तो डाउनलोड कर लीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। चलिए मेन वीडियो पे आ जाते हैं। तो चलो गाइस, डब्बे को अपन ओपन कर लेते हैं। डब्बे को ओपन करने के बाद हमको एक लीड मिल जाती है, जिसमें हमको कवर वगैरह, सिम ट्रे, इजेक्टर टूल वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद हमको मेन फोन मिल जाता है। फोन को अपन साइड को रख देते हैं। उसके बाद हमको एक 10 वॉट का नॉर्मल चार्जर मिल जाएगा एंड यहाँ पे एक माइक्रो USB केबल मिल जाएगी। उसके बाद अपन मेन फोन पे आ जाते हैं। तो भाई ये जो फोन है काफी अच्छा दिखने में रहने वाला है। यहाँ पे हमको जो है वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाएगी, 720p वाली डिस्प्ले है, IPS LCD डिस्प्ले रहेगी, ठीक ठाक सा रिजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और बात रही ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो भाई यहाँ पे हमको जो है Realme UI आपको मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स और विद Android 10 ये आएगा। काफी कमाल का UI है। और भाई यहाँ पे फ्रंट कैमरा की बात कर ले, तो भाई यहाँ पे हमको जो फ्रंट कैमरा मिलता है ना, ठीक ठाक सा डिसेंट रहने वाला है। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा रहने वाला है। और बात कर ले इसके डिस्प्ले के बारे में, तो भाई ये कुछ ज्यादा बड़ी डिस्प्ले नहीं है, मतलब 6.5 इंच की डिस्प्ले रहने वाली है। और भाई आपको पहले ही बता दिया हूं कि ये जो है 720p मतलब HD डिस्प्ले है, वो बात मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एटलीस्ट यार FHD प्लस आपको दे ही देना चाहिए रियलमी वालों। उसके बाद भाई अपन बात कर लेते बैक साइड की, तो भाई यहाँ पे हमको 5000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाएगी। और भाई डिजाइन में इस बार रियलमी ने चेंज कर दिया, वो अपना वर्टिकल वाला रहता था ना वैसा वाला नहीं दिया इस बार थोड़ा सा इन्होंने अच्छा स्टेप कर दिया है। यहाँ पर हमको बैक साइड में ड्यूल कैमरा मिल जाता है 13+2 मेगापिक्सल का। और भाई यहाँ पे बात रही बैक साइड की, तो प्लास्टिक बॉडी हमको मिल जाती है। प्रोसेसर की बात रही तो MediaTek Helio G35 प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि अभी न्यूली लॉन्च्ड प्रोसेसर है। और यार अगर इस फोन के बारे में आपको कुछ भी पूछ रहे हो, तो आप उससे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो भाई कुछ बताने के लिए इस फोन के बारे में रह नहीं गया है, अगर आपको कुछ भी पूछना तो पूछ सकते हो। ये जो फोन है 7 से 9 हजार के बीच में ये फोन आ सकता है इंडिया में। 4GB 64GB इसकी इंटरनल स्टोरेज वगैरह रहेगी। लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद वंदे मातरम। टाटा बाय बाय।